जो उसके खिलाफ बोलो सब आतंकवाद है, जो उसके खिलाफ नहीं बोलो सब आतंकवाद नहीं है, केजरीवाल आतंकवाद है, ओवैसी आतंकवाद है, सब आतंकवाद है। तुम सिर्फ हिंदुस्तानी हो, प्योर हिंदुस्तानी, हम लोग आतंकवाद हो गए? ऐसा कैसा है? हम लोग भी हिंदुस्तान में ही, हिंदुस्तान में ही रहेंगे, हिंदुस्तान से कहीं जाने वाले नहीं है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली के इंद्रलोक पर, जहाँ पर गुज़िश्ता 22 दिनों से मुसलसल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ ख्वातीन की जानिब से मुजाहरा जारी। हम ख्वातीन से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ उनका क्या कहना है। आज भी उन्होंने अपना मुजाहरा जारी रखा। आप मुसलसल गुज़िश्ता 22 दिनों से मुजाहरा कर रही हैं, और भी दिल्ली में और भी जगह पर, शाहीन बाग में, तुर्कमान गेट पर, जामा मस्जिद पर, आज़ाद मार्केट में गुज़िश्ता 2 महीने से मुजाहरा जारी है। क्या कहना चाहेंगी आप इस कानून के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी, मतलब हमारे पुरखों ने भी कुर्बानी दी है और हमारा हक नहीं है यहाँ पर, क्यों नहीं रह सकते हम? मोदी मेरे सामने आके बात करे, मैं बात उससे मेरे आमने सामने करे ना, ना मर्दों की तरह गोलियाँ औरतों पे, वो तो नामर्दी होते हैं जो पीछे से वार करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे, जिसको वार करना है ना, सामने से करें, हम जाके बात करें। फरजाना इंदर लोग रहती हूँ, V8 में, जिसको आना है मेरे सामने आके बात करें, मैं बात करूँगी उससे। नामर्दों की तरह शाहीन बाग को लेकर बैठे हुए हैं इंदर लोग में भी, तो आके बात करें ना, हमसे आके बात करें, तो हम बात करेंगे। हम रहमान सर से गुजारिश, अदीब रहमान सर के लिए रह गए 3 तलाक की बात, वो 3 तलाक को लेके महान बननी है। हमारे शौहर जब वो हमें रखेंगे उनकी मर्जी है, जब वो छोड़े उनकी मर्जी है, होता कौन है वो 3 तलाक के बीच में बोलने वाला? मेरे सामने आके बात करे सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले मैं बात करूँगी सबसे। मेरे ये बताओ, मुसलमानों से क्या प्रॉब्लम है? हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्या प्रॉब्लम है? मेरे से आके बात करें, जिसको भी प्रॉब्लम है सबसे पहले मैं बात करूँगी। ऐसा है ना, देखो मेरी बात सुनो, मुसलमानों के ऊपर ही क्यों एक्शन उठाया जा रहा है? मुसलमान जितना सबर करता है उतना ही उसी के साथ ही गलत होता है, अक्सर 80% सबसे ज़्यादा। मोदी जी ने कहा है बेटी बचाओ, ये इस तरह से बेटी बचाना है, रोड पर लाके बिठा दिया, 5 साल में करा है क्या उन्होंने? और ज्यादा ज्यादा बर्बादी की निशानी दिखा रहे हैं, शायद ज्यादा कर रहे हैं। अगर जो मोदी कर रहे हैं तो शायद ज्यादा कर रहे हैं। इस तरह से आप मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है, अब मुसलमानों के ऊपर आप कर दिया, फिर 3 तलाक हो गए, ये क्या तरीका है? मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। बस हम 3 तलाक ला कर अपनी बहनों का ख्याल रखना चाहते हैं, तो जिस तरह से आप ख्याल हमारा रखना चाहते तो वो हमें इस तरीके से सड़कों पे क्यों निकालते? आप ये बताइए ना, हमारे तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो हम सड़कों पर पड़े हैं, हमारे बच्चों का स्कूल का टाइम है, हम स्कूल अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, ट्यूशन का टाइम है, अपने बच्चों को ट्यूशन का टाइम नहीं दे रहा, हम लोग यहाँ पर पढ़े ना, हम किसने पढ़े? मोदी जी के चक्कर में तो पढ़े हुए ना हम, अगर मोदी जी हमारे साथ इस तरीके से नहीं करते तो हम यहाँ पर क्यों आते निकल कर? हैं हम, अगर हमें मोदी जी को हमसे इतना विश्वास था, हमें भी विश्वास था मोदी जी के ऊपर, मगर उन्होंने हमारे साथ इतना नाइंसाफी करी है कि हम लोग बहुत उनके खिलाफ हैं। हम अपना इंसाफ मांगना चाहती हैं उनसे, बस हमारा इंसाफ दे दे वो, हम अपना अपना वो हो जाएंगे, हमें सही तरीके से चलेंगे तो वो सही तरीके से करेंगे इस काम को, है ना, है, और नहीं करेंगे तो फिर हम जो हमारा हाल है हम अपना करेंगे। आप ये अपना मुजाहरा कब तक जारी रखेंगे और आपको क्या उम्मीद है? जब तक वो हमारी, जब तक हमारा वो इंसाफ नहीं देंगे वो हमें, जब तक वो हमें कुछ, जब क्या वो 4 साल लगा दे, क्या 5 साल लगा दे, हम यहीं पर ही बैठे हैं। सीए को भी खत्म करना है, NPR भी खत्म करना है, ये क्या तरीका है कि मुसलमान के 2 बच्चे होंगे? ऐसा नहीं होगा, ये हिंदुओं में करेंगे ऐसा होगा, मुसलमान के 2 बच्चे, NPR, CA, ये क्या तरीका है, क्या तरीका निकाला है, क्या हो रहा है ये? अगर जो मुसलमान खामोश है तो उसे गलत ना समझें, और जब मुसलमान एकता कर लेता है ना तो अच्छे अच्छों की बुनियाद हिला देता है, और हिंदू मुसलमान सब हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है, सब हमारे साथ हैं। भैया खून एक जगह मिल जाए, हिंदू का मुसलमान का कौन निकालेगा अलग अलग? कौन अलग है, कोई पता चलेगा किसका खून क्या है? सबका खून सब एक जैसा, एक जगह बंद करके रखेंगे, एक जगह गोल करेंगे,
तो उसके बाद हमारा तो कुछ पता ही नहीं होगा। नाम कर रहा है एक तो वो हमें एक तो हमारे बच्चों पेपर वो पेपर आ रहे हैं यहाँ बैठी है वो चल रहा है लेकर बैठी है। हाँ कभी कभी मोदी अपनी माँ को यहाँ पे 2000 रुपए दे रही हूँ बैठने के लिए, बैठा ले अपनी माँ को यहाँ पे, हम उठ जा रहे हैं। मैं एक दिन क्या 10,000 रुपए दूंगी अपनी माँ बहनों को? पहली बात एक मिनट मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ अगर मोदी के बेटी होती या बहन होती तो हम बहनों की परेशानी को समझता। पहली बात तो उसका कोई है नहीं जो हमारी परेशानी को समझेगा। और रह गई हमारी बात वो शवर की, हमने मस्जिद को भी लेकर हर चीज को लेकर शवर किया, अब नहीं। और हम जब तक बैठेंगे जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं करेगा, जब तक वापस नहीं हटेंगे खत्म नहीं देंगे सब चीज, जब तक हम खत्म नहीं करेंगे हमेशा। क्या कितने साल लग जाए मोदी के पास, नहीं बीवी है नहीं बच्चे है नहीं कुछ है, ठीक है कुछ है, कोई नहीं है। हम लोग के पास तो सब है, कुछ है बाल बच्चे हर कुछ है हम लोग के पास। हम लोग एक लड़की हटा दिया बात कहना चाहती हूँ मैं, हिंदुस्तान में सिख हो ईसाई हो हिंदू हो मुस्लिम हो हर किसी का हक है हिंदुस्तान में रहने का। बस मैं ये कहना चाहती हूँ बात खत्म। मोदी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है हमसे आके बात करें आमने सामने, मैं जवाब दूंगी, जवाब मैं दूंगी आमने सामने बात करें, मोदी हो अमित शाह हो कोई भी हो मैं बात करूंगी, मेरे से बात करें। बस अमित शाह बोलते हैं एक इंच नहीं हटेंगे भाई, एक इंच नहीं तो हम लोग क्यों आधा इंच हटने वाली हूँ, मैं नहीं हटने वाली हूँ जब तक मैं वापस नहीं लिया, मैं नहीं हटूंगी चाहे जितना दिन जो हो भी हो जाए, मैं हटने वाली नहीं हूँ। मोदी कहते हैं कोई भी मुसलमान है पाकिस्तान से जुड़ गया आतंकवाद, क्या हर मुसलमान उसका आतंकवाद कहते हैं? आतंकवाद किसको कहते हैं? आपके खिलाफ है तो आतंकवाद नहीं है, प्योर आप मुसलमान हो आप हिंदुस्तानी हो हम सब आतंकवाद हो गए, ऐसा कैसे होता है? जो उसके खिलाफ बोलो सब आतंकवाद है, जो उसके खिलाफ नहीं बोलो सब आतंकवाद नहीं है, केजरीवाल आतंकवाद है ओवैसी आतंकवाद है सब आतंकवाद है, तुम सिर्फ हिंदुस्तानी हो प्योर हिंदुस्तानी, हम लोग आतंकवाद हो गए ऐसा कैसा है? हम लोग भी हिंदुस्तान में ही है, हिंदुस्तान में ही रहेंगे, हिंदुस्तान से कहीं जाने वाले नहीं है। एआरसी सब हटाएंगे तो भी मैं पीछे हटूंगी, नहीं हटाएंगे पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ जी। कि हमने उन्हें जितवाया था इसलिए नहीं जिताया था कि वो हमें सड़कों पे ले आए, तीन तलाक हमने मांगे नहीं थे, उन्होंने दिए हमें, हमने जब भी कुछ नहीं कहा, अब ये सड़कों पे बैठा दिया हमें, ये क्या इंसाफ कर रहे हैं? औरतों के साथ कुछ भी नहीं। मोदी जी से रिक्वेस्ट है मेरी कि वो आकर या किसी को भेजे और ये सब वही खत्म कर सकते हैं और कोई नहीं। अमित शाह से गुजारिश है, मोदी जी से गुजारिश है कि वो यहाँ पे आकर या नहीं तो किसी को भेजे, वो ना आ सके तो किसी को भेजे और इस चीज को खत्म करें, नहीं तो हिंसा और भी भड़केगी, इस चीज से भड़केगी, आप भी जानते हैं सब जानते हैं, वो इन चीजों को रोक सकते हैं, उनको रोकना चाहिए, वो बड़े हैं मोदी हैं यहाँ की सरकार मतलब है, उनसे कह रहे हैं बेटी बचाओ काबिल बना, बेटी को सड़कों पे बैठा दिए इसी काबिल बनाने के लिए कि माँ बहन सड़कों पे बैठी है, हमने इसलिए नहीं बेटी को ये करा कि सड़कों पे बैठ जाओ।